18 इंच ही रखनी है, 18 इंच से बाहर कोई नहीं, 18 इंच से बाहर नहीं रखनी, नहीं रखनी है। हाँ नहीं रखनी, हमने जो बाहर आई हुई है थोड़ी सी हल्का सा बैक लेनी पड़ेगी है ना, जैसे ये है यहाँ से बैक लेंगे वापिस। अब ये टूथ पिक से थोड़ी हल्की सी इसको शेप दी गई, पहले यूं था ये वी शेप में आ रहा था ये, एंगल से बढ़िया बनता है एंगल, बट आपके पास ये सिंगल साइड है दोनों ही ब्रांचेस। नहीं अब इस बार हम इसको खोलेंगे ना ब्रांचेस, ब्रांच खोलने का एक नियम होता है जैसे आपका प्लांट है ना, मैं इसका टॉल स्पिंडल के लिए बताता हूँ परफेक्ट क्या बोलते हैं इसमें फ्रूटिंग आएगी ऊपर तक के, आपने कैसे करना है। मान के चलो आपका ये पेड़ है, आपने 12 फीट में बनाना है इसको, हाँ जी 12 फीट में कितने सेंटीमीटर हो गए, 12x140 सेंटीमीटर का पूरा पेड़ हो गया, हाँ सेंटीमीटर के हिसाब से डिवाइड करो, 2 फीट से ऊपर आपने सारी की सारी ब्रांचेस रखनी है, और इसमें हर ब्रांच आपने 4 इंच के बाद एक ब्रांच रखनी है, हर 4 इंच के बाद, जैसे ये है ना आपके साथ में रखनी है, आपने सोचा कि मैं दोनों ही रखूंगा, दोनों को हेडबैक करूंगा, हाँ तो ये सही बात नहीं है। फर्स्ट ईयर इनको अभी आप रिमूव ही कर दो, नीचे वाली रिमूव करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, दोनों ही निकालनी पड़ेगी, 2 फीट से ऊपर इसमें ब्रांचेस रखो, आप यहाँ से ऊपर ब्रांचेस रखो, बढ़िया प्लांट बनेगा ये। अच्छा 2 फुट के, अभी आपका ब्रांच बन गई है, पर इसको काटते बार आपको लगेगा कि मेरे पूरे साल की मेहनत है, समर में काटती होती तो इतना दर्द नहीं, अभी आपको ये सारी दोनों निकालनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, हाँ नहीं नहीं करो करो आप, हमारे लिए भी तो ये दोनों निकालनी पड़ेगी, यहाँ से हल्की आएगी, इसमें क्या होगा, इसमें आएगी हल्की हल्की ब्रांचेस, लंबी ब्रांचेस नहीं आएगी, नहीं हो सकता है इसको आप खत्म भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये वाली ब्रांचेस बढ़िया सीक्वेंस में आएगी, बाद में कर सकते हैं बाद में, लाइक इसका 2 फीट यहाँ पे आता है, हाँ जी आपने यहाँ पे एक ब्रांच रखनी है, हाँ फिर 4 इंच बाद दूसरी ब्रांच रखनी है, उधर से वो करनी है, नॉचिंग परफेक्ट करनी है उस जगह में, नाप के आपका कनोपी वाला एक पेड़ बना रहा हूं मैं जो आपके परफेक्ट हो, परफेक्ट लाइट पेनिट्रेशन के लिए ठीक हो, आपकी एक ब्रांच निकल गई, दूसरी ब्रांच निकल गई, हाँ। तीसरी ब्रांच निकल गई, चौथी ब्रांच निकल गई, हाँ। आपने 4 इंच का गैप एक्सिस रखना है, 4 इंच का गैप घुमा घुमा के घुमा, अगर 4 इंच का गैप हम 2 फीट के बाद नापे तो आपकी 30 ब्रांचेस आ रही है, हाँ 30 ब्रांचेस कितनी फीट तक, 12 फीट तक, ओके हाँ 30 ब्रांचेस आ रही है, 30 ब्रांचेस और आपकी एक साइड से 18 इंच की जो आपकी टहनी है ना, 18 इंच में आपने केवल 7 बड बनाने हैं, 7 बड बस, तो इसमें 20 बड आएंगे, हाँ जी आपने छोटे में कर देनी हो, हाँ, 3 इंच में, 3 इंच में, 3 इंच में 60 डिग्री, अगर पूरा 90 कर दिया पहले तो भागेगी हो, फिर यहाँ से एकदम ऊपर के लिए ऊपर शेप और खराब हो जाएगा, ओके और आपने आपने 60 डिग्री इसको बैंड किया जून में, हाँ जून में ठीक है, फिर आपने जुलाई में इसको पूरा हॉरिजॉन्टल कर दिया, जुलाई में हम भले धागे से सुतली से बांध के, तीसरा स्टेप आता है और अगस्त या सितंबर, उसमें बिलो हॉरिजॉन्टल, हाँ फिर वो वाटर शूट नहीं निकलते उस टाइम में, निकलते अगस्त टाइम में, अगस्त में कोई आपको वाटर शूट नहीं निकलता, जितने भी आपके बर्ड बिजनेस पड़ेगा सारे के सारे बाहर निकलेंगे, ओके राइट अच्छा, ये बेस्ट मेथड होता है एक ही साल में बर्ड बने पूरी पूरी ब्रांचेज बनाने का। अच्छा वाटर शूट आपका अगस्त में ही निकलेगा इस साल, नहीं एक चीज कंट्रडिक्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ और हाइट की एलिवेशन पे वाटर शूट का यहाँ वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा है, यहाँ अगस्त अगस्त भी आप बच्चे आपका स्लो हो जाएगा हमारा के हिसाब से हो गया, जैसे आपका ग्रोथ नहीं अगर ज्यादा है ना, ये मेरे को लग रहा है जो अगस्त वाला कांसेप्ट बोल रहा हूं वो सितंबर में, ये आपका मिडिल और हाइट में हमारा सितंबर होगा, यहां सितंबर में चलेगा जी, क्यों मैं हाइट यहां से और समय ये और जैसे उठेगा ना आपका वहीं से और काटना इसको, जैसे मैंने यही वाला रूट, अच्छा ये पूरा का पूरा यहीं पे लॉक हो जाएगा, इसको ही कर लो पूरा प्रोनिंग कर लो, इसको कर लो इसको पूरा ही प्रोनिंग हो जाएगा, इससे हम सीख लेंगे, बस ये आपने स्टॉप करना चाहो तो क्योंकि आपका काफी डेंस हो, नहीं हमने स्टॉप करना है अकॉर्डिंग टू आवर स्पेस, हमारे को उसमें जाना है, हमने तो इसमें ही लेना है, अच्छा तो ये जो काटा आपने ना ये वाला एक चीज पूछना चाहूंगा, ये हमारा ग्रो नहीं करेगा ज्यादा, ग्रो करेगा ये करेगा फुल ग्रो, इसमें जैसे ग्रोथ आएगी इसका ही पैटर्न आपने करना है, इसमें जैसे ग्रोथ आएगी वैसे इसको काटना, ओके अगर इसको नहीं काटा होता ये क्या होता, इसमें बर्ड बर्ड जाने थे, बर्ड्स आगे आने थे पीछे उतने बर्ड नहीं आने थे, ये वाले बर्ड आने थे और यहाँ पे रिंग बनना था, ओके अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे ही छोड़ देते, फॉर एग्जांपल काटते ही ना फिर क्या होता, इसमें यहाँ पे ग्रोथ करता यहाँ पे रिंग बनता और ये भरना था बस पीछे नहीं आता, अब इसमें क्या स्ट्रेस पड़ गया, मैंने काट लिया तो ये इसमें स्ट्रेस पड़ेगा,
सबकी सबाइज में। फिर आपने सेकंड जो कट मारेगी उसमें ये जो इसका बीमा है लंबा हो जाएगा, पहले जब इतना पड़ेगा उसमें पहले स्ट्रेस पड़ेगा बाहर के लिए निकलेगा, ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा तो बीमा बीमा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये है, हाँ जैसे ये है, इसमें यही रूल हुआ है अप्लाई देखो। हाँ वरना आगे आगे बनते सारे के सारे बीमा, ये बिल्कुल ऐसे ही करना ठीक है। ये वाला बस इसमें बेबी क्लिक तो हमेशा ही देना है हर साल। अच्छा हर साल बेबी क्लिक देना ही देना है। अच्छा क्योंकि एपिकल डोमिनेंस ठीक है हर साल पे साइड वाली ब्रांचेज में, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, ये वाली ब्रांचेज में भी हो गया। जो इसमें हमारी फर्स्ट ईयर की जो ग्रोथ है ना, जिसमें हमने सेकंड ईयर ब्रांड नहीं किया है, जो नई फ्रेश ग्रोथ है उसमें ज़्यादा वेजिटेटिव आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी ज़्यादा वेजिटेटिव। उसको दोबारा काटना, दोबारा से काटना पड़ेगा, दो तीन इंच जैसे जैसे इतनी ग्रोथ आई वैसे हाँ, काटा जैसे कि इसमें क्यों जी। हाँ दो तीन इंच आए वैसे काटा। हाँ और काटिए जो फ्रेश टैन है, इसमें एक बात ध्यान रखना, जो भी फ्रेश टैन है इसमें वेजिटेटिव आएगी कंपैरिजन टू इसके ये डबल होगी, इसकी आपकी आधा फुट होगी, इसकी आपकी कम से कम डेढ़ या एक फीट से ऊपर ही होगी। और लेकिन रोकनी है पहले ही, हाँ रोकनी है वो, इसको बोलूँ कब काटना आपने, एक फीट का हो जाए उसके बाद स्टार्ट करो काटना, क्योंकि वेजिटेटिव वाला टहना है ये आपकी अप्रैल मई मई में आ जाएगी शायद एक फुट ग्रोथ आपकी। अच्छा मई में करना है स्टार्ट इसको। अच्छा मई में करना है, मई में स्टार्ट करना है, बस इसको स्टब में लाना, फर्स्ट स्टब में लाया वैसे स्ट्रेस पड़ जाएगा ये वाली साइड साथ वाली आंखों पे, आगे वाली आंखों पे पड़ जाता है पहले स्ट्रेस, सेकंड कट में पीछे वाली सारी आंखों पे पड़ जाएगा स्ट्रेस। ओके बस ये है ठीक है, बस इसमें ही चाहिए, तभी अंदर लेना, अगर छोड़ दिया हमने तब यहाँ पे रिंग बनेगा, ये वाला भी से भरेगा, पीछे खाली रहेगा, पीछे खाली रहेगा। ओके जैसे हमारे पास ये न्यू है, यंग है, ये है यंग है, ये है ना, और ये हमारे को अगले साल के लिए ये हो गया। मैं ये वाली थ्योरी आपकी ठीक लग रही है, देखिए बहुत बढ़िया आपका पूरा का पूरा प्लान। चलो इस पैटर्न पे जा रहे हैं, हम जाना चाह रहे हैं इवन सीडलिंग पे ही जाना चाहिए इस पे, बल्कि हम इस पे सीडलिंग पे ही हमारे को कंफर्टेबल लग रहा है। M9 चलो अलग एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है सारी, देखिए ये देखो ये भी आपका समर में काटना चाहिए, जो जितने वेजिटेटिव वाले टहन है ना समर में निकलने चाहिए सारे, ये तो ऊपर वाले तो निकल ही जाएंगे, दो दो तो शायद निकल ही जाएंगे। हाँ स्टब मार गए, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अब इसमें भी हैंडबैग दें, हम हैंडबैग देना पड़ेगा, अगर हैंडबैग ना दिया जाए माना, इस उम्र में काटा हुआ है नहीं, इस पिछले साल का काटा है, अब हाँ हैंडबैग पता नहीं, मेरे को नहीं पता इसका वो किया है इसका कम लास्ट ईयर, क्योंकि ताकि कम भागे। अच्छा अब बोलो क्या करना आपने। हाँ। आपकी रेंज पूरी हो चुकी है। हाँ कैसे पेड़ में, हाँ जैसे कि इतना बहुत है पेड़, हाँ इतना यहाँ से आगे नहीं बढ़ाएगी आपने। हाँ। अब क्या करना है आपने, ऊपर इसकी पूरी की पूरी ग्रोथ चेक करने के लिए, सारी ब्रांच निकालने के लिए एक ऑप्शन है आपके पास, नॉच करना, नॉच करना जहाँ आपको ब्रांचेस चाहिए, ब्रांचेस ऊपर नॉच कर सकते हैं। हाँ दूसरा ऑप्शन है अगर गाला स्ट्रेन है उसमें नॉच करने के बाद भी वेजिटेटिव भागते हैं, भागते हैं। आपने आपके पास ये टहना है आपका लीडर 5-6 फीट का जितना भी है, आपने पहले इसका 30% निकाल देना, वहाँ से नीचे एक फीट नापना है, वहाँ से नीचे यहाँ से आपकी फर्स्ट ईयर की ग्रोथ गई है वहाँ तक आप सब आइस के ऊपर नॉच कर दो, ताकि उसकी वेजिटेशन जितनी भी ग्रोथ है ना फर्स्ट ईयर में जो आती है गाला में आती है ब्रांचेज में हो जाए और सारी की सारी ग्रोथ उसके ऊपर खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। अगर 12 फीट में पहुंच चुका है प्लांट उस कंडीशन में, तकरीबन 12 हो चुका है बस आपको क्या हमें इतने एरिया से, ये हमने ग्राफ्टिंग उसके लिए ना कलमों के लिए, कलमों के लिए तो वेजिटेशन ग्रोथ होनी चाहिए थी, पर नहीं है, नहीं है पहला का पहला ना होने का कारण क्या है, रखा था आपकी खाल खराब हो गई है, स्केल है ये पहले से ही आया है सही। आपको बोल क्या करना चाहिए, क्या करें इसमें, आपको समर ऑयल मारना चाहिए था एक, अच्छा जो खाल है खाल का समर ऑयल में ठीक होना जी, ऐसा बन जाना था, समर ऑयल तो किया भी था शायद, किया था पर मेरे को लगा किया था कवर नहीं किया, तो जब आया फिर आपने क्या किया, जो ये वाली ब्रांचेज है ना ये थोड़ी मोटी रख ली और आगे से काट ली, ये काटनी थी इतनी बस, इसमें स्टब छोड़ना था, जो भी आप इम्पोर्टेड आगे से प्लांट लाएंगे तो उसमें सिर्फ स्टब छोड़ना पड़ता है छोटा सा स्टब, बाकी पूरा का पूरा पेड़ खाली करना पड़ता है, अगर आपने खाली किया तभी जाके वेजिटेटिव ग्रोथ आती है। सेकेंडली होता है मॉइस्चर मेंटेन करना फर्स्ट ईयर में,
सही बात है, फर्स्ट ईयर में और फर्स्ट के थ्री मंथ्स में, और इसको क्या होता है एक्टिवेट करना पड़ता है, और लगाने से पहले इसको रिहाइड्रेट करना पड़ता है। वो तो किया था, किया था, बस इसमें ये प्रोनिंग की होगी आपका, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की, और मॉइस्चर लेवल मेंटेन नहीं हुआ। ये सब टैंक में डाले हमने, इसमें मॉइस्चर लेवल मेंटेन नहीं हो पाया आपका, इसलिए नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, यही रीजन है। अब इसके लिए द्वारा से आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, जितने भी आपके बीमे हैं ये सारे आपको कट करने पड़ेंगे, द्वारा से आपको पीछे आना पड़ेगा, द्वारा से आपको पीछे आना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे, और ये वाले निकालने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर में, जो भी परे से बीमा निकल रहा है ना मेन स्टेम से, फर्स्ट ईयर में उसको रिमूव कर दो, और फिट मत मानना कैंची, और इसमें अभी ग्रोथ नहीं आएगी। अगर आप चाहेंगे ना कि इस बार मैं यहाँ से कटूंगा, यहाँ से कटूंगा, ग्रोथ आएगी तो नहीं आएगी किसी भी हालत में, आपको यहाँ से नीचे आना पड़ेगा स्लीपिंग आइस पे, तब जाके ग्रोथ करेगा, और आपको पीछे लेना पड़ेगा, तब आएगा। इसको करो जरा ये वाले को, आपकी कल में भी, कल में रख देते हैं ये वाला, कर दो ना ये वाला थोड़ा एक, हाँ नहीं फिर वो ना हम कल में इसकी जो होगी वो दबा देंगे। आपने ऊपर से नीचे तक इसको टून करना है, बस इसमें ये है कि इसमें मॉइस्चर मेंटेन करना है, मॉइस्चर इसके लिए सिर्फ 30% चाहिए पूरे साल में, ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है इसको। अब ये रिवाइव होगा, पहले अब जाके रिवाइव होगा, रिवाइव हाँ ग्रोथ आएगी ना, आते जाते अगले साल देखेंगे हम इसको। अब इसको आपको नीचे लाना पड़ेगा, ये जो आपके स्लीपिंग आइज है, हाँ जी, आपके पुराने वाले ऑर्चर्ड भी कुछ ऐसे होगी इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है ना, उसके लिए आपने दोबारा से नीचे आना है। अब ये ऊपर देखो सबसे मोटा टहना है इसके 50% में है, तो इसमें डच कट लगेगा, अच्छा, बाकी सब में स्टब कट लगेगा, बिल्कुल। अब इसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ठीक रखना है, फिर इसमें ग्रोथ देखो आप कैसे जाती है। आएगी ग्रोथ, आएगी इसमें, नहीं नहीं ग्रोथ फुल आएगी इसमें, अब इसमें जो टहनी आएगी ना, हाँ जी, बट टहनी आपने सारी की सारी बैंड करनी है, बिल्कुल सारा ये बस बस इसी पैटर्न से आपने ये रिमूव करना है। ये मैंने इसलिए रिमूव किया आपका ये पेड़, हमने एक साल पहले पीछे धकेल दिया, हमने अगर पहले आपने प्रैक्टिस की होती, मान लो जो फॉर एग्जांपल मैं काटूंगा नहीं, अगर मैं कर रहा हूं आपने मेरे को बताना, मैं इसको स्टब मारूंगा, ठीक है जी, मैं काट दूंगा इसको बाद में ना, इसको इतना मार देंगे, इसको इतना मारेंगे, इसको भी चलो मार देंगे, कितने इतना 50% तो नहीं है, इसको इतना ले आएंगे, इतना ले आएंगे, इतना पीछे ले आएंगे ना, ये पीछे, ठीक है जी, इसको मैं यहाँ जैसे ले आऊँगा स्लीपिंग आइस, समर ऑयल पहले डाल दें, समर ऑयल आपने हल्का डालना है, TSO भी डालें, TSO डालना पड़ेगा अभी, TSO आपने हमेशा हल्का लगाना, पर ये देख लेना कंडीशन आपका, मौसम पहले खराब, मौसम खराब है दो तीन दिन बाद, आप आज कर दो इसको, उसके बाद बारिश होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, मौसम थोड़ा ठंडा रहना चाहिए, स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, स्प्रिंकलर नहीं लगाना, उसके बाद इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको, जैसे ही टेम्परेचर डाउन रहना चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहना चाहिए इसके लिए, मान के चलो आपने आज कर लिया, उसके बाद अब धूपे धूपे लग गई तो इससे खाल दोबारा से जल जाती है, क्योंकि इससे सरफेस बन जाएगा, जनवरी फर्स्ट वीक भी ठीक है, दिसंबर लास्ट वीक, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बस आपने अपने सन को देखना है, मौसम को देखना है, कितने दिन खराब रहता है, उसके हिसाब से इसका मैनेजमेंट करना है। इधर से आओ, चेक कर दिया, इसको भी आप मैं इसको चेक कर, ये मैंने बेंडिंग अपनी प्रैक्टिस से खुद किया है, ओके बस आपने ये वाला सरफेस और बनना है, ये नॉचिंग से नॉचिंग से ही होगा, ये इधर ब्रांचेस निकालनी है, अब जैसे ऊपर है तो इसमें टॉप टॉप आपको करना है, टॉप इसके नीचे कुछ जगह निकल गया, कुछ जगह नहीं आई, बिल्कुल आपको हमारा जैसे ये वाली आया है इसको ओपन करना बड़ा मुश्किल है, अच्छा मतलब मैंने पाया इसमें निकला ही नहीं कहीं, अब ये देखिए यहाँ छिलका निकला हुआ है, देखो आपने बिल्कुल हल्का सा निकाला, इसकी कैम्बियम लेयर मोटी निकालनी है, हाँ। ताकि अंदर से जो हार्ड वाला है ना वो निकल जाए, ओके। ताकि आइज को इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, मेरे ऊपर कोई ब्रांच नहीं है, मेरे को भागना है, ठीक है, नोचिंग तो किया, हाँ इसमें हल्का किया, जितने को ये फटनी थी, देखो बाहर को फटी है, उतने को रिकवर होगी, बाहर करना एक मिनट जरा कर दो, मैं चाकू नहीं लाया अपना, जो भी आइज है ना स्लीपिंग आइज, जो बर्ड है बर्ड के ऊपर ना करके स्लीपिंग आइज पे करना है आपने, जैसे कि लाइक करो, लाइक मैं यहाँ से करता हूँ,
ये आई इसकी टूट चुकी है, कैमियम लेयर इसकी खत्म हो चुकी है। अच्छा ये देखिए ज्यादा गहरा मारा, ज्यादा गहरा मारा, राइट राइट राइट, समझ गया। अब ये कहीं रिकवर नहीं होगा, अब जो फोर्स लगेगा इसी आई पे पड़ेगा, और जब ये आएगा बाहर फिर बाद में रिकवर करेगा इसको। जितने को हमारी ये ब्रांचेस आएगी ना बाहर के लिए, उतने को ये ब्रांच बन जाएगी, जितने को बाहर निकलेगा, जितने को ये कवर होगा उतने को ब्रांच लंबी आ जाएगी। ठीक ठीक, और हमने हल्का दिया ब्रांच आई, वो घाव कवर हो गया। अब आपको इन दोनों में से एक आपको निकालनी पड़ेगी, इन दोनों में से ये तो मुझे यही लग रहा है थोड़ा वीक, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको निकालना पड़ेगा। ये फिर भी चल सकती है ना, डच कट से ऊपर वाले डच मार दो, नीचे वाले मार दो, क्रॉस जो है रोटेशन दे बस, बाकी आप नीचे। और अब आपको ये बताना चाहेंगे कि ये वही रूट स्टॉक था, सिंगल पे मारा, देखो बड़ा मुश्किल से था कवर करना। अब इसमें पहली गलतियां बोलूं क्या होगी, आपने नीचे सारी ब्रांचेस रखी, कितने का फर्क है इसमें और दो फुट। अगर इसकी ब्रांचेस लिमिटेड होती मैं पूरा 4 इंच के बाद एक होती, हाँ मोटाई ज़्यादा हो गई। अब क्या होता है इसका रूल, अगर आपने दोबारा से इसमें फ्रेश ग्रोथ चाहिए, फ्रेश जो इसमें डंडी चाहिए, उसके लिए आपको दोबारा से इसमें कट मारना पड़ेगा, वीक आएगा, फिर बढ़िया फ्रेश टैन नहीं आएगी जिसमें अच्छा बीमा निकाल सकते। मतलब वो तब है जब आप 1-2 दिन क्रॉप ले लेंगे, कम से कम अभी 2-3 क्रॉप ले जल्दी, जैसे कि आपका ये एंगल ठीक नहीं बना है ब्रांचेस के हिसाब से, जैसे 4 इंच में एक ब्रांच बननी चाहिए आपकी। अच्छा। प्लांट की थिकनेस को अगर बढ़ाना है आपको। अच्छा, उसके हिसाब से ये गलत है। चलो ये गलतियाँ हो चुकी है 4 साल पर, 3 साल पहले, आगे रिपीट ना करें, रिपीट नहीं करनी है गलतियाँ। ये 4 इंच का सही, ये सर एक चीज़ और जी, ये चलो ये है, ये है वो डबल गाला, बाहर इम्पोर्टेड है ये वाला, इसमें भी देखो इसको कैसे हम नहीं, मैंने हमने वही बात है, आपने बोला कि इतना रखना चाहिए जब नए फ्रेश प्लांट आते हैं, हमने रखे नहीं। देखो आपकी गलती फर्स्ट ईयर की होगी, यहाँ से आप सब ले आते हैं ना फर्स्ट ईयर में, तो आपकी ये वाली ग्रोथ ना ये वाली इतनी कम नहीं होनी थी, ग्रोथ ज्यादा होती तो मतलब मैं अभी चलो इसके लिए नहीं काटेंगे क्योंकि कल में भी लेंगे इसको, यहाँ से मैक्सिमम काटना पड़ेगा आपको। और ऊपर से जो ये आप देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, इसके लिए आपको से आना पड़ेगा ना, बिल्कुल स्लीपिंग आइस पे आना पड़ेगा, पूरी तरह से स्लीपिंग आइस, बाकी प्लांट दोबारा रिवाइव करें। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही हाल हमारे कमरों में था, वहाँ पे नई प्लांटेशन हुई रूट स्टॉक, तो 2 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस की और पूरा का पूरा ऑर्चर्ड खत्म हो गया बिल्कुल, तो दोबारा से उनको नीचे आना पड़ा स्लीपिंग आइस पे, फिर वहाँ से शूट निकला, फिर जाके पौधा दोबारा से फ्रेश बन गया। अब ये अच्छा, ये एक ये है यहाँ पे, ये सीडलिंग पे, आगे की जो चीज आपने 18-20 इंच वाला ये वाला इसमें आगे है ना, ये देखो बस बढ़िया है, इसमें ऊपर हेडबैक होगा बाहर की, इसमें देखो ये वाले टहनी निकलेगी क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। हाँ हाँ ये वाली निकलेगी, निकल जाएगी ना, और इसकी ब्रांचेज देखो स्टेप वाइज बनी है, बढ़िया बनी है, बढ़िया ब्रांच, और इसकी थिकनेस भी देखो बराबर ही है, मतलब इसको हम मॉडर्न मान सकते हैं, मॉडर्न बना सकते हैं, मॉडल इसको मान सकते हैं, हम इस तरीके का पेड़ बनाए, बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे अच्छा मतलब। अब लाइक क्या होता काम है? ऐसे इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, जो बाकी पेड़ है ना कि इस तरीके से पेड़ बने। अच्छा लाइक क्या होता है, लेकिन बहुत मुश्किल है आपका इसमें पूरा स्टार्ट, ग्रोथ होगा मेहनत बहुत, बहुत मुश्किल है, ग्रोथ बहुत है ना, मॉनसून में तो मतलब आप जाए काटते रहो। अच्छा इतना दूर बहुत, चलो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो मतलब बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना, इवन 111 पे भी। अच्छा M9 पे जाओ फिर मैक्सिमम, अगर आपको ग्रोथ ज़्यादा जाए, ग्रोथ ज़्यादा उसमें ग्रोथ कम आती है आपको, गुरु स्टॉक बता दो। ये देखो आपकी खाल की है, डार्क वर्न गाला है, डार्क वर्न गाला उसी से लिया गया है जो इम्पोर्टेड प्लांट है, उसकी आप देखो इस एक साल की गला में, ये मार्च में 20 बजे भागा है, जैसे आपने इसमें किया है ना ये। हाँ जी ये होना था आपके जो आपके रूट स्टॉक का प्लांट है ना, इसमें बिल्कुल सेम टू सेम, फिर आपकी ऐसी ग्रोथ निकलनी थी, ग्रोथ बैंड होके आने, ये अगले साल के लिए ठीक रहेगा ना, ये जो बिल्डिंग है अगले साल इसमें बर्ड बन सकते हैं, बर्ड बन सकते हैं अगर आप यहाँ पे मारेंगे इसमें, ठीक है, अगर आपने फिर मारा यहाँ पे फिर वाला हिस्सा हो, यहाँ मारेंगे ना इतना लाएंगे, वन थर्ड ठीक है जी। अब ग्रोथ कैसी आप बताओ, ग्रोथ तो बहुत वेजिटेटिव है, एक साल की ग्रोथ है सर, बहुत भानु भाई
बहुत बढ़िया ग्रोथ है। और इसमें क्या किया है, शायद इसका कारण भी है, मैंने इसमें ग्रास कटर से जो आपका ग्रीन मैन्योर जिसको कहते हैं वो निकाल के निकाला नहीं, इसमें डालते हैं 7-8 बार जितना भी है, इतना है ही ब्रश बनाई, ब्रश बना दी इसके नीचे आजकल हम, और वो उसका एक नाइट्रोजन भी मिला उससे। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पैटर्न है। अगर आपने जो खरपतवार डालते हैं ना कि मेरे ख्याल से वो डेड कर देता है आपकी फर्टिलिटी को ना, मेरे ख्याल से ग्रीन रहना चाहिए नीचे, बिल्कुल ग्रीन रहना चाहिए, बस थोड़ा सा एरिया इसका वो करके। लेकिन यहाँ कुछ नजदीक हो गया, चलो अपरूट करेंगे कुछ बीच में ना, या थोड़ा ऐसे हो गया अपरूट, आपने कर अपरूट करने की जरूरत नहीं, इसको हाई डेंस पे आप क्लोज करो, 18 इंच में ही क्लोज करो, 18 इंच में क्लोज कर दो, 18 इंच में क्लोज करो, निकालने की जरूरत नहीं, निकालने की नहीं, 18 इंच में सबको क्लोज कर दो। अब ये तो इसका पिलर प्लांट बनाना है, अब देखो इसमें ग्रोथ नहीं है, अब इसमें ग्रोथ नहीं, ग्रोथ चेक हो गई, क्या करना है, कैसे लाएंगे जी इसको, यहाँ लाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, ये मार के डेड आइस पे, डेड आइस पे। अच्छा, ये भी नहीं तो फिर ये भी नहीं, नीचे से फिर इसको करो, तो इसको करो, अब जाएगी फुल। आपका क्या हो जाता है, जैसे कि आपका ऑर्चर्ड है ना स्पर का, उसमें काफी बीमे भर जाते हैं, मान के चलो इसमें बीमा भर गया, आप बोल रहे हैं मेरे को ब्रांच चाहिए, अब क्या करें, ग्रोथ इसमें अब आएगी नहीं आगे, उस कंडीशन में आपने पीछे जाना है और जहाँ पे स्लीपिंग आई है उसके ऊपर से काट देना है, वहाँ से फ्रेश ब्रांच आएगी, फ्रेश ब्रांच आएगी, अगर ये 3 साल पुराना हो चुका है। और ये वाला हिस्सा कभी भी स्पर में कन्वर्ट नहीं होता, जहाँ ब्रांच बन गई है जिसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होगी आपके 11 mm 12 mm, इसमें कभी स्पर नहीं निकलता, ये रखा होता है प्लांट के अपने पास स्टोरेज, ताकि मैं इन फ्यूचर अपने आप को, ये आप इस प्लांट में देखो, इसमें भी होगा, हर प्लांट में होता है, ये कभी ओपन नहीं होता, ये होता है प्लांट ने रखा अपने पास। ये वाले मतलब क्लोज ना हो, इसको अप्रूट ना करो, जैसे बहुत नजदीक हो गया कुछ नहीं है, ये अप्रूट ना करो इसको, बस 18 इंच में इसको क्लोज करो, 18 इंच ये आपका है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ये होगा, ये ज्यादा हो गया ना, जैसे 4 फीट में अगर आए तो 4 फीट 6 पे बैठ रहा है, आपके पास सनार ज्यादा है ना, सनार आपको घबराने की जरूरत नहीं, हमारे